तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काको में फैन मांगा पार्ट 8 कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इसमें हम जानेंगे कि हमारे हीरोज आने वाली लड़ाई के लिए कैसे तैयारी करेंगे एंड साथ ही में हमें और भी बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे होते हैं कि गोहान लोगों को वापस से कलेक्ट करना शुरू कर रहा होता है। इसके लिए वो सबसे पहले क्रिलिन के घर पे जाता है। जैसे वो क्रिलिन के घर पे जाता है उसे सबसे पहले वहाँ पे क्रिलिन, उसकी बेटी एंड एंड्रॉयड 18 दिखती है। वो सभी को हाई बोलता है एंड सभी उन गोहान को भी हाई बोलते हैं। वो सभी को देख के काफ़ी खुश होता है एंड इसके बाद क्रिलिन गोहान से पूछता है कि तुम कैसे हो। गोहान बोलता है कि मैं ठीक हूँ। गोहान पूछता है कि यामचा और टीएन कहाँ पे है। क्रिलिन बोलता है कि तुम्हारी किस्मत तो काफ़ी अच्छी है, वो लोग अभी यहाँ पर ही आए हुए हैं और हमारे घर के अंदर है। गोहान कहता है बहुत बढ़िया, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ज़रूरी बात बताने आया था। आप लोगों को सभी को पता होगा कि आप लोगों को अगले 2 साल तक कैसी ट्रेनिंग करनी है। क्रिलिन चुप हो जाता है एंड बोलता है रुको, थोड़ी तसल्ली रखो। एंड इसके बाद वो हंसने लग जाता है। क्रिलिन इस लड़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस है और उसे भी नहीं पता वो इस वक्त इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाहता भी है कि नहीं। इससे पहले कि क्रिलिन कुछ बोल पाए, इससे पहले गोहान का फोन बजने लग जाता है और दूसरी तरफ वेजिटा होता है। वेजिटा के पास वीस और वीरस आए हुए होते हैं। वेजिटा बोलता है गोहान मैं अभी वीस के साथ हूँ एंड उसी ने मुझे अभी बताया कि कैकोरोट भी यूनिवर्स जीरो पे था एंड ग्रैंड प्रिंस ने उसे भी फ्रीज कर दिया। गोहान क्रिलिन काफी ज्यादा हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं एंड ये बात गोटेन ट्रंक्स ने भी सुन ली होती है एंड वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड इसके बाद हम पिकोलो की ट्रेनिंग की तरफ आ गए होते हैं। हम देखते हैं कि पिकोलो अभी भी मेडिटेशन कर रहा होता है एंड पिकोलो जानता है कि उससे अभी कौन लोग मिलने आए हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि नेमेक तुम जानते हो कि हम लोग कौन लोग हैं एंड अगले 2 साल तक हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं एंड साथ मिलकर ट्रेनिंग करना चाहते हैं। पिकोलो बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक नेमेक बोलता है कि हम सभी के पास कुछ ऐसा है कि हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं। पिकोलो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे मंजूर है, पर उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। एंड ये बोलते ही पिकोलो एकदम से खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम प्लैनेट वैम्पा पे देखते हैं। हम प्लैनेट वैम्पा पे देखते हैं कि एक शिप वहाँ पे लैंड कर रही होती है एंड उस शिप के सामने ब्रॉली एंड उसके दोस्त खड़े हुए होते हैं। आखिरकार उस शिप का दरवाजा खुलता है एंड ब्रॉली के दोस्त पहचान जाते हैं कि उस शिप के अंदर आखिर कौन है एंड वो लोग बुलमा को हाई बोलते हैं एंड बुलमा शिप से बाहर उतरती है एंड उसके साथ जैको होता है। बुलमा एकदम से ब्रॉली को देखती है एंड बुलमा बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा लंबे होगे। बुलमा को ब्रॉली के बारे में बात करते देख उसकी दोस्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या करने आई हो। बुलमा बोलती है मुझे लगता है कि तुमने आसमान में एक बहुत सी बड़ी ब्लैक सी बॉल को देखा होगा, सही कहा ना। एंड लीमा बोलता है अच्छा, क्या तुम्हें भी वो अजीब सा ड्रीम आया था। बुलमा बोलती है कि नहीं वो ड्रीम नहीं था। बुलमा बोलती है वो सच में एक ग्रैंड प्रिंस थे। एंड लीमा बोलता है कि नहीं वो एक ड्रीम ही था। लीमा बोलता है कि हम तीनों को एक जैसा ड्रीम आया था। एंड बुलमा बोलती है ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बुलमा बोलती है कि मुझे समझ आ गया कि आखिर क्या हुआ था। जब भी ग्रैंड प्रिंस ने ये सभी चीज़ें अनाउंस की तभी तुम लगता है सो रहे थे। शायद ग्रैंड प्रिंस के सामने कोई चारा नहीं रहा होगा एंड उस टाइम शायद बिलियंस ऑफ लोग सो रहे थे, इसलिए ग्रैंड प्रिंस ने उस अनाउंसमेंट के लिए सपने का सहारा लिया होगा। चिमाई लिमो एंड ब्रॉली ये बात सुन के बड़े हैरान रह जाते हैं। चिराई पूछती है कि ये बात सच है। बुलमा बोलती है कि हाँ ये बात सच है। चिराई बोलती है कि लगता है बहुत ही जल्द एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होने वाली है। बुलमा बोलती है हाँ एंड इस लड़ाई को रोका नहीं जा सकता। तभी एकदम से बुलमा को एक कॉल आने लग जाता है एंड ये कॉल वीस का होता है। वीस बुलमा को बुरी खबर देता है एंड गोकू के बारे में बताता है। ये बात सुन के बुलमा बिल्कुल ही हैरान रह जाती है एंड बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हम एकदम से धरती पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि गोहान क्रिलिन के घर पे है एंड वहाँ पर मास्टर रोशी टीएन एंड यामचा भी है। गोहान सबको समझाने की कोशिश कर रहा होता है एंड गोहान बोलता है कि सभी दोस्तों सुनो, हमें यहाँ पे डैड के अलावा भी इस लड़ाई को जीतना होगा। हम सभी को अपना एक एक रोल प्ले करना होगा एंड मैं जानता हूँ कि आप सभी के लिए कैसी ट्रेनिंग परफेक्ट होगी। क्रिलिन ताकत का लेवल जानता है एंड ये बात सुन के वो काफ़ी निराश हो जाता है। क्रिलिन बोलता है कि गोहान मैं ये बात जानता हूँ, बट टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था जबकि मैंने खतरनाक वॉरियर का सामना भी नहीं किया था एंड ये वॉर तो दुनिया के सभी खतरनाक वॉरियर के साथ होने वाली है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसके साथ शामिल होंगे तो मैं आखिर क्या कर पाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं सभी को गोकू की तरह एक स्पीच दे सकूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बट मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मास्टर रोशी भी सेम बात बोलते हैं एंड वो बोलते हैं कि मैं क्रिलिन से सहमत हूँ, मैं लड़ना चाहता हूँ पर मैं करीब 350 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे आगे कुछ प्रोग्रेस कर सकता हूँ। क्रिलिन बोलते हैं शायद मेरे सोचने का तरीका गलत हो सकता है पर मैं यही रहना चाहता हूँ अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ। ये बात सुन के 18 बड़ी हैरान रह जाती है एंड गोहान बोलता है मेरे डैड ना जाने कितने सालों से इस दुनिया की रक्षा करते आ रहे हैं, अपने जान को भी दांव पे लगाते हुए आए, वो भी बिना किसी डर के। अगर तुम अपने फैमिली के साथ अपने घर पे रहना चाहते हो तो रहो, इस समय हमारे डैड ना जाने कितने बिलियन लोग हमारी मदद का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत है। क्रिलिन गोहान की ये बात सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाता है एंड वो समझ नहीं पाता होता है कि उसे आखिर करना क्या है। यामचा बोलता है मेरी कोई फैमिली नहीं है इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। टीएन बोलता है मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। नंबर 18 एकदम से खड़ी होती है तो बोलती है क्रिलिन मेरे साथ चलो। क्रिलिन को एक कमरे में लेके जाती है 18 ताकि वो क्रिलिन को समझा सके। टीएन बोलती है कि मैं जानती हूँ क्रिलिन तुम ये वक्त जो कर रहे हो
वो हमारी फैमिली के लिए ही कर रहे हो, पर ये लड़ाई सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, लाखों करोड़ों लोगों के जान के बारे में है। विलियम बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है एंड वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, बट इस बार मैं कोई फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। टिन बोलती है कि तुम चाहे जो चाहे फैसला करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हारे फैसले के साथ हमेशा खड़ी रहूँगा। अगर तुम लड़ने का फैसला करोगे तो मैं लड़ूंगी, अगर तुम रुकने का फैसला करोगे तो मैं रुकूंगी। ये बात सुनकर क्विलिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड वो अपने मन में एक फैसला कर लेता है। उसके बाद हम कैप्सूल कॉर्क में आ चुके रहते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स ब्रा को अपने कोट में उठा के रो रहा होता है। उस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अगले 2 साल तुम्हारी जिंदगी जितने ही लंबे हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ये बोलते बोलते ट्रंक्स के आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बड़ी हो के बहुत ही ताकतवर प्रिंसेस बनोगी। अभी हम वेजिटा गोटेन को देखते हैं। वेजिटा गोटेन को आगे जाने के लिए बोलता है। बोलता है ट्रंक्स बहुत हो गया, अब जाओ। तो ब्रा को ट्रंक्स के हाथों से लेकर अपनी गोद में ले लेता है एंड सबके बाहर जाने का इंतजार करता है। वेजिटा इसके बाद ब्रा को देखता है, बोलता है मेरी प्रिंसेस चिंता मत करना, तुम्हारे डैड जल्दी वापस आएंगे। ऐसे ही वीज वेजिटा बाकी सभी का जाने का वक्त होता है, तभी वहाँ पे ट्रक आता है। उस ट्रक के अंदर से बुलमा के डैड निकलते हैं एंड वो बोलते हैं, वेजिटा बोलता है कि ब्रा का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। एंड बुलमा के डैड हंसते हैं एंड बोलते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, आखिरकार वो मेरी ही ग्रैंड डॉटर है। उसके बाद हम फिर से ट्रंक्स को देखते हैं जो ब्रा को गले से लगाकर रो रहा होता है। वेजिटा जाकर उसके सर पे हाथ रखता है एंड बोलता है कि ट्रंक्स अभी चलने का टाइम आ चुका है। ट्रंक्स इसलिए रो रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि अगले 2 साल तक वो अपनी बहन से नहीं मिल पाएगा। वेजिटा बोलता है कि गोवान और बाकी सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसके बाद वो उस क्यू के अंदर घुसने लग जाते हैं जो वीस वहाँ पे लेके आया हुआ होता है, ताकि वो दूसरे यूनिवर्स पे जा सके। इसके बाद हम मास्टर रोशी, गोवान एंड 18 को देखते हैं। देखते हैं कि क्रिलिन ने अपना फैसला ले लिया है एंड उसने ये फैसला लिया है कि वो लड़ेगा। 18 यहीं पे रहकर उनकी बेटी का ध्यान रखेगी कि गाइस चलने का वक्त आ चुका है, हमें क्यूब तक पहुंचना है एंड इस लड़ाई में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। आखिरकार हमारी यूनिवर्स 7 की टीम एक बार से फिर से तैयार है, इस बारी भी वो पूरी जी जान से लड़ेंगे। एंड गुहान ने उन सभी के ट्रेनिंग के लिए क्या प्लान किया है ये तो हमें आगे के चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना एंड कमेंट भी कर देना, ताकि मुझे पता चले कि ये स्टोरी ड्रैगन बॉल के फैन तक पहुँच रही है। तो गुड बाय, टेक केयर।